अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, मैंने बनाई हूँ मेरे बेटे के लिए चिकन, और अमीन के दोस्त ने भेजा है क्रैब, और जैसे कि फिश ब्राउन से दिल भर गया, तो मैं सोच ही रही थी, तो अमीन के दोस्त ने भेजा है क्रैब। ये देखिए, ये है क्रैब। कमेंट में लिखना कि दोस्त लड़की है कि लड़का, अमीन के है ना, तो कमेंट में लिखना पड़ेगा आपको। और जैसे कि मैंने पोस्को का खुलासा की, तो उसका आंसर करने के लिए फट 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 लाइव पे आ गए, तो वो सारी चीजें मेरे बेटे के व्लॉग में दिखेगी आपको। फिलहाल तो मैं लगी भी हूँ जो चीज के लिए, मैं उसी पे काम करती हूँ, क्योंकि मुझे 10 जगह घूमने की आदत भी नहीं है, शौक भी नहीं है। वन तो वन, टू तो टू, थ्री तो थ्री, समझ गए? तो आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। और क्रैब तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं, क्योंकि ये बने हैं ड्राई मसाले के क्रैब। कमेंट में जरूर लिखना, हाँ अमीन के दोस्त ने भेजा लड़की के लड़का। भाई साहब आ जाइए। आ रहा हूँ मैं इधर भी और बहुत जल्द अपने वीडियो के साथ भी। है ना, बहुत जल्द, कमिंग सून। चलो आओ बिस्मिल्लाह करने के लिए सब लोग। वालेकुम, गुड मॉर्निंग। चाय के साथ और स्टीम निकलती रही तो और मजा, क्योंकि ठंडक मौसम में है तो चाय तो गर्म ही चाहिए रहेगी। फनी बातें करने लग गई हूँ आजकल, क्योंकि फनी फनी वीडियो देखने लगी हूँ, तो वे बातें भी आजकल थोड़ी सी फनी होने लग गई है, जो जिसमें कुछ लॉजिक ही नहीं है। थोड़ा एडजस्ट कर लो, ये भी थोड़ा कभी कभी एडजस्ट करना चाहिए लाइफ में। और बाकी तो कुछ नहीं, अभी तो जाऊंगी पहले मार्केट, थोड़ा सा घर का सामान और वेजिटेबल, मेरा आज बहुत मन कर रहा है कुछ वेजिटेबल्स लेने का, तो सब वो चीज़ें करूँगी। देन उसके बाद में फिर करेंगे दूसरी चीज़ें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने शुरुआत बहुत अच्छी करी है। माई ओन डिज़ाइन और स्टैम्प बाई सायरा सत्तानी, ट्रू। और इसके साथ में ये भी, लेकिन कॉपी तो कॉपी होती है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। ये है ओरिजिनल, इसकी कॉपी जो की गई है ना, नल्ला है नल्ला। ये फोटो खींच सकते हो आप, एकदम जूम करके दिखा रहा हूँ। हाँ, और इसके साथ में मैंने एक डिजाइन और ली थी, सेम डिजाइन है, दोनों में जो काम है सेम है, पर डिजाइन थोड़ी सी डिफरेंट है, पर इसके मैचिंग के साथ में ये चीजें लगती है। और सायरा सत्तानी हर चीज, चप्पल से पर्स तक मैचिंग करती है, तो फिर आप सोच सकते हो। तो उसके साथ में ये सारी नोज पिन जो है ना, ये नोज पिन तक मैच होती है। अब मैं पहनूंगी तो इंशाल्लाह, मैं तो देखो अपना, अपनी जिंदगी, अपनी बातें, और मैं बहुत खुश होती हूँ कि मेरा काम जो है ना लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं कभी कुछ बोलती भी नहीं हूँ, और कभी कुछ इतनी तवज्जो भी नहीं देती। अब लोग सिलकता हुआ अपने अंदर ले लेते, तो मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। हाँ, ये है कि घंटा भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपनी जिंदगी जैसे चलती हूँ वैसे ही चलती हूँ। और आज जैसे कल मैंने बोरी का और हाफ बिरयानी की आपको सच्चाई बताई हूँ ना, तो आज टकली की भी सच्चाई आपको बताऊंगी मैं इंशाल्लाह। आगे आगे वो दूसरे वाले पेपर का है रखी नहीं हूँ शायद। हाँ, वो गाड़ी में रख लिए मैंने, देख लेता हूँ गाड़ी में अभी। चलिए, मैं आपको बीच बीच में थोड़े थोड़े झलकियाँ दिखाते रहती हूँ, कोर्ट की समथिंग, कुछ पेपर की। तो मैं छूतिया नहीं हूँ, मैं सब, मेरे बच्चों का हो, मेरे हस्बैंड का हो, या मेरा खुद का हो, सेफ्टी सबसे पहले, बाद में सब कुछ। तो मैं पहले सेफ्टी करती हूँ, देन उसके बाद करती हूँ जो करना है वो। और अभी तो कुछ मुझे अपडेट आई है जो चीजें मैं करी हूँ, तो उसी के लिए पहले वहां जाऊंगी, उनसे मिलूंगी, कुछ डिस्पैच करना है वो करके, उसके बाद घर। आज क्या खिलाएंगे पहले वो बताओ, भूख सुबह से लगी पहले है। तो मैं बोल रही थी कि मैं सौदा लेने जाऊंगी, वेजिटेबल लेने जाऊंगी, ये वो। तो मैं बोली कि वो भी सब साथ में करूंगी, और मेरे बेटे को आज, मेरे बेटे ने कुछ क्या खाने को, स्पेशल खिलाएंगे कल आज? मेरे बेटे ने मुझे खिलाया था, आज मेरे बेटे को जो खाना मैं खिलाऊंगी देख, इंशाल्लाह। चलो ठीक है, उधर जाके डिसाइड करते हैं। एक चीज दिखाओगे आपको, थोड़ा सा कैमरा अपने दोनों की तरफ घुमा ना। बेटा वैसे तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं थोड़ी ऊंची हो जाती मेरे बेटे के लिए। जाहिलो, ये माँ बच्चे का प्यार होता है, जाहिलो। जिंदगी में भी कभी कभी कितनी गंदी से गंदी भी अगर कोई औरत रहे ना, तो वो चीज नहीं कर सकती जो तुम साबित करने की कोशिश करते हो। और मैं तुम पे भी ये नहीं बोल सकती कि तुम ऐसे करते होगे, क्योंकि कोई भी ये रिश्ते पे कभी ये चीज सोच भी नहीं सकता है। जाहिलो, ये माँ बच्चों का प्यार होता है। गाड़ी में नहीं आने का, चल।
नहीं, जब मैं तैयार हो रही थी तब बारिश नहीं थी, फिर तैयार होने के बाद फुल बारिश। तो मैंने अमीन को बोला इधर की चाबी लेके निकल और ये गाड़ी की भी चाबी लेके निकल। तो शाना चाबी पहले गाड़ी की डाला, एथर की चाबी अंदर घुसा दी, पर मुझे नहीं जाना है क्योंकि बारिश रुक चुका है और हम चार्जिंग वाली बाइक पे जाएंगे जो विदाउट खर्चा, बिल्कुल खर्चा नहीं, फुल पैसा बचाओ अभियान है वो। जैसे मैं निकली और मेरा काम भी करी और अभी मैं फिलहाल तो आपको बताती हूँ क्योंकि मैं परफेक्ट अपडेट कभी देती नहीं हूँ, तो आज मैं आपको परफेक्ट अपडेट देती हूँ। मैं हूँ बोरीवली में और हमारी जो महाराष्ट्र की कोर्ट्स जो है, एक बोरीवली में है, एक गोरेगांव में है, एक बांद्रा में है, एक बॉम्बे में है। तो मैं बोरीवली में फ़िलहाल तो अभी हूँ और साइबर सेल का जो ऑफिस है, साइबर सेल की जो चौकी है, साइबर सेल की जो भी कार्रवाई करनी है तो वो है कांदीवली में। फ़िलहाल मैं हूँ बोरीवली में, तो मैं पूरी अपडेट तो आपको नहीं दे सकती, आई एम वेरी सॉरी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बट ये बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि काफ़ी चीज़ें जो मुझे अपडेट करनी थी, और मुझे सामने से कॉल आया था, एक्चुअली मैं कर चुकी हूँ बट मुझे कॉल आया था सारी कंफर्मेशन के लिए, तो वो सब चीज़ें मेरी हो गई पूरी। और उसके बाद में जैसे आपके सामने मेरे बेटे ने मुझे पूछा था आज क्या खिलाओगे, तो हम स्पेशली आए हैं उडुपी होटल, जो मेरे बेटा अमीन और अली के साथ लास्ट टाइम ये लोग लेकर आए थे मुझे इधर, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है ना यार, तो मैं उसको पकड़ के रखती हूँ, और फिर अगर अच्छी लगने के बाद फिर उसके अंदर कोई खलल आता है ना, तो फिर उसका पूरा एंड करने तक छोड़ती भी नहीं। ये मेरी आदत है, बहुत गंदी आदत है, क्या करूँ, 50 साल की उम्र हो गई है तो ऐसे ही जी हूँ, तो अब ये उम्र में ये आदत बदल नहीं सकती मैं। तो फिलहाल आज की अपडेट यही है, तो अभी देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं, और लाजमी है यार आपको दिखाना भी और आपको बुलाना भी। कैसा लगा भाई आपको? बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। अल्लाह, मैंने बताया कि क्या मौका था, चलो आपके साथ शेयर करेंगे, मैंने बताया ही नहीं। तो सॉरी, एक काम करो, मेरे इंस्टाग्राम के चैनल पे जाओ, तो वहाँ आपको रील में दिख जाएगा। और मैं यहाँ शूट नहीं कर पाई, तो खाना इतना ज़्यादा टेस्टी था कि हमारा पूरा ध्यान खाने पे ही था, सॉरी। बोरीवली का मार्केट है, ये मेरा बच्चा है ना, कहाँ पे बॉर्न हुआ। अच्छी अच्छी, आप कैसे हो? ये हमारे सब्सक्राइबर। और मार्केट जैसे बोल रहे थे, आज कितने सालों के बाद मैं कांदीवली मार्केट आई हूँ, फ्रूट मार्केट सब चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। चलो अभी एक एक चीज़ पहले लेते हैं। सूरत स्टाइल भाजी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सारे रहते हैं गुजराती, और यहाँ पे भाजी भी सेम, और सूरत मेरा ससुराल, तो इसीलिए मैं वहाँ की भाजियाँ आपको दिखाते रहती हूँ। तो ये मेरा मायका है, तो यहाँ पे भी मिलती है महाराष्ट्र में गुजराती भाजी। लेते मेरी नज़र इस पे गई, कमेंट में बताना किसके जैसी है, कैसे लगाएगा, वो भी लगा लेना इधर ही, पर्स में ले लेती यार, पर्स तो पकड़ में लेती हूँ। गया यार, आज पुरानी यादें सब ताज़ा हो गई, जब बच्चे बिल्कुल छोटे थे तब मैं आया करती थी ऐसा बाजार लेने, फ्रूट्स लेने, मच्छी मार्केट। अभी तो इतनी जिंदगी भाग दौड़ वाली हो गई है, भागो फटाफट लो रखो, और जब टाइम मिले पकाओ खाओ, नहीं टाइम मिले तो रेस्टोरेंट में जाओ और ऑर्डर दे के खा लो, कहीं भी जाओ। लौट के जब अपने घर के तरफ रुख होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ मेरा बच्चा लाया वजन लाया, हाँ सब काम बराबर करने का बच्चा। टमाटर जी आप अच्छे हो ना, बहुत ध्यान रखना पड़ता है टमाटर का। ये देखो, ये स्पेशली बारिश के मौसम की सब्जी, और ये सब मैं लाई थी, और ये अमीन का खुराक, अमीन की खुराक है ये सब, और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब ये सीज़न में आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। अभी परसों भी लेकर आई थी, खा लिए, और खजूर खाना बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, और नींबू, और बाकी चाय में अदरक बहुत बेस्ट होती है। फिलहाल तो मैं खाना खाने का, हमारा एक्चुअली प्रोग्राम बाहर है क्योंकि अयूब रास्ते में ही है, और मैं जो पाव भाजी वगैरह खाई तो अयूब को बहुत तारीफ करी, वो बोले कि अपन रात को बाहर ही खाना खाते, तो बोले ठीक है चल। पहला तो मैं पूछी उनको क्या बनाऊँ, तो बोले जो तेरा दिल करे बना ले, तो मैंने खाना बहुत अच्छा था, अयूब वेज खाने दिल कर रहा था, चलो बाहर ही जाके वेज खाते उधर ही, तो बोले ठीक है मत बना फिर आता हूँ मैं, वहीं चलते। लेकिन मैं सोच रही हूँ अयूब को बहुत ज़्यादा पसंद है नॉन वेज खाना, तो मैं अरबी लेकर आई हूँ, और बकरे का मटन तो वैसे ही हमेशा स्टॉक में रहता है, पर मैं बहुत रेयर बनाती हूँ क्योंकि अली रहता है, तो अमीन अली और उसके डैडी रहते हैं, तो मैं ज़्यादा खुशी से बनाती हूँ। नहीं तो ये बताऊँ आपको, ये देखिए मैंने कल बनाई थी चिकन, अभी देखो पूरा ये भर कर मैंने अभी पैक करी हूँ किसी को देने के लिए कि कोई खा ले।
तो खत्म ही नहीं होता। अयुब रहते हैं तो अच्छा लगता है कि अयुब बोलकर सबको बराबर बिठा के खिलाते, एक पीस खा ले एक पीस खा ले। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अरबी डाल के मटन का सालन ही बना लूँ ताकि अयुब को भी अच्छा लगे। ये आज फिर मैंने कांदा टमाटर वाला सालन बनाई हूँ, कैसा लगता है आप जरा कमेंट में लिखा करो। देखो अरबी और ये मटन और मस्त तरी वाला, क्योंकि अयुब को बहुत ज़्यादा पसंद है तरी वाला सालन। और ये तो उनके लिए एकदम सरप्राइज, क्योंकि खाना खाने का बाहर प्रोग्राम है और अभी उनकी गाड़ी थोड़ी लेट हो गई है। मैंने जस्ट फोन की ऐसी, मैं आने के पहले चाय रख दूँ, क्योंकि कभी कभी वो खुद भी बनाते चाय, मैं बोली आज आने के साथ उनको चाय दूँ। और उसी के साथ बना दिया स्टीम राइस। तो गाड़ी थोड़ी हो गई है लेट, क्योंकि मैं भी शाम से अभी तक चाय नहीं पी हूँ। चलो भाई, हमारे घर के धनी आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो भाई चलो, बहुत भूख लगी। आके नीचे चिल्ला रहे मेरे को, मेरे को तो लगा तुम लोग घर पे ही नहीं है, नीचे गाड़ी ही नहीं है। मेरे लिए वो बच्चे लेकर गए, उसके दोस्त लोग आए रहे थे, उनसे मिलने नीचे गए ले। तो अभी क्या क्या बोले तुमने? चलो भाई बहुत भूख लगे लिए जाएंगे। बहुत भूख लगी तो अभी वहाँ पे जाने को एक घंटा लगेगा अपने को। फिर चलो कोई बात नहीं, जाएंगे ना एक घंटा। खुशबू नहीं आ रही तुमको? बाजू में कोई अच्छा खाना बना रहा है ऐसा लग रहा है। खुशबू नहीं आ रही घर में? तूने कुछ बना डाला? नहीं मैंने नहीं बनाया। नहीं बनाया वो क्या बोलते प्रंग क्या क्या सरप्राइज? ना भाई ना, तुमको मैंने क्या बोली थी मुझे वेज खाना है। हाँ। तुम क्या बोले मैं आता हूँ तू तैयार हो फिर चलते। हाँ। तो मैं क्यों बनाऊँ घर पे खाना? अबे माँ, अबे वो कल के सब लगे ले बर्तन, देखता हूँ अभी मैं तेरा। देखो देखो फिर देखो। चलो नहीं बनाई, चेक कर लो कल का खाना है। और क्या बोल रहे, मेरे को 100% खुशबू आ रही थी क्या बाजू वाले की? खुशबू क्या अरबी को? स्टीम राइस एकदम। अब रोटी तुम मंगा लो, मैं रोटी नहीं बना, बना दूं रोटी? नहीं कुछ काम नहीं, मंगा लेता अभी सारा में। कैसा लगा पहले ये बोलो, मेरा सरप्राइज नंबर अच्छा गया सब। अभी गोश्त कितने दिन से खाया नहीं था मैंने, 5-6। कितने सारे वेजिटेबल लाए, इधर आओ इधर ये खोलो, वो देखो पूरा भर गए ले देखो वेजिटेबल। अच्छा तो मैंने अमीन को बोला कि अभी डैडी रहेंगे तो बंद कर दो, तो खाएंगे तो खुशी होगी मेरे को भी, डैडी फिर चले जाएंगे तो ये सब ऐसे ही पड़े रहेंगे। पर तुम बताओ तुमको अच्छा लगा? बहुत मस्त, बहुत अच्छा हुआ। क्या बोल रहे? ये काम तूने एक नंबर किया, अरबी गोश्त बना। हाँ। जो अपने वेज खाने जाने के थे ना। हाँ। उसके बिल के पैसे में तेरे को रोकड़े देता। तुमको कैसा पता वहाँ पे कितने बिल बनने वाली है? मेरे हिसाब से 1200 रुपए तो बनते ही है। तो 1200 मेरे को दे दोगे? हाँ दे देता हूँ तेरे को। पक्का? अरे यार मजा आ गया सरप्राइज का यार। मैं भी बहुत खुश हूँ मेरे शोहर को देख के, कि मेरे शोहर मेरा बनाया हुआ खाना देख के मुझे क्या बोले, जो बाहर पूरी बिल है वो तेरी है। तो सोने पे सुहागा हो गया मेरा काम। और जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग के स्टार्ट में ही बताई थी कि मैं टकली की कुछ सच्चाई आज आपको बताऊंगी, जैसे ये हाफ बिरयानी और बोरी की बता ही रही हूँ, मेरे तो 3 ही टारगेट है भाई, तो मैं तो बताते रहूंगी। तो जैसे कि अभी रिजवाना का बहुत ज्यादा आप लोग सुन रहे होंगे, तो उसमें लाइफ पे थी टकली, तो उस चीज को छोड़ के टकली क्या बोली, हाँ मेरे जवाई को भी ये बात करी दुबई जाके और चढ़ा के मेरी बेटी का घर तोड़ी। तो ये बात पे मैं पहले तो आपको बताऊंगी कि बहुत पहले जब इनका मेरी लड़ाई हुई थी तो कुछ रिकॉर्डिंग डाली थी मैंने अपने ब्लॉग में, तो उसमें आप अगर सुनोगे तो पता चलेगा कि मैंने ये बोली हूँ कि घर तोड़ने से टूटता नहीं है, बेटियों का घर है टूटने से टूटता नहीं है, कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो तू बोलना मैं बात करूंगी। तो वो रिकॉर्डिंग अगर चाहिए तो मैं वापस जब जरूरत पड़ेगी मैं फिर से ब्लॉग में ऐड करूंगी। अभी फिलहाल तो आज जो बात मैं आपको बोल रही हूँ कि इसने इल्जाम लगाया है कि मैं इसकी जवाई से दुबई में जाके बात कर रही हूँ, तो इसका खुलासा अयुब पहले थोड़ा आपको कर सकते हैं। आज ये जो कुछ अभी जब से ये मैटर चालू हुई, इसके जमाई ने कम से कम 50 वक्त मेरे को अलग अलग नंबर से मैसेज किए पहले। हाँ हाँ बराबर, मैंने हर बार उसको जवाब नहीं दिया, अलग अलग नंबर से मैसेज आते थे। और अभी ये जो मैटर चल रही है उसके बाद भी उसने कितनी बार मेरे को मैसेज करा। एक मिनट में बोलती हूँ, अभी जो मैंने अभी इन लोग को बोलना चालू करी उसके बाद तुरंत बाद तुम्हारे को फोन किए कितने उसने? नहीं कैसे कैसे नंबर से फोन आते हैं? अलग अलग नंबर से।
क्यों आते अलग अलग नंबर से फोन? मैं उसको जवाब देता नहीं हूँ, ब्लॉक करता हूँ। हाँ। तो वो अलग अलग नंबर से करता और मैंने कुछ रिकॉर्डिंग करके भी रखा। नहीं नहीं, वो रिकॉर्डिंग कब हुई? जब इसने तुमको बार बार मैसेज किया व्हाट्सएप पे। कब? तो मैं आपको चाहती हूँ कि पहले जो मैसेज आया व्हाट्सएप पे वॉइस के जरिए, तो यहाँ पे मैं आपको ये सुनाती हूँ, आप सुनिए कितनी मर्तबा इनको मैसेज आया गया अलग अलग नंबर से कि ये चीज सायरापा तक पहुंचा। हाँ, बस वो जब भी मैसेज करता है एक ही रिक्वेस्ट करता है, अय्यूब भाई प्लीज हाथ जोड़ता हूँ, एक बार मेरी सायरापा से बात कराओ। लेकिन हमको उससे कोई वास्ता नहीं है, हम क्यों उससे बात करें? रुको, ये तुमसे जो रिक्वेस्ट करता है, तो फिर ये चीजें आप पहले ये रिकॉर्डिंग सुनो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम अय्यूब भाई। हाँ चलो, आप थाईलैंड में हो, मैंने देखा आपका वीडियो, तो मैं ये बोल रहा था मेरे को सायरा आंटी से बात कराओ, ये रियाना के बारे में मुझे बात करनी है, बात कराओ मेरी, प्लीज मेरी बात कराओ। अभी तुम लोग तो कमेंट सब बन नहीं रखते, वो कमेंट बन रखती है, तो उसके लिए क्या है, मैं भी कुछ बोल नहीं सकता, और हम लोग का भी काफ़ी दिन से लफड़ा चल रहा है, तुमको मालूम ही है, तो मेरे को प्लीज़ सायरा आंटी से बात कराओ एक बार। मुझे ज़रा सायरा आपा से बात कराना ना, अगर टाइम मिलेगा आपको तो। हाँ, कुछ काम था मुझे थोड़ा इसके लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो अय्यूब भाई? मैं तुमको बोल रहा हूँ मेरी सायरा आपा से एक बार बात कराओ, तुम नहीं करा रहे हो। वो भी तुम्हारे बच्चे लोग के बारे में बोल रही ना, दो लड़के लोग के बारे में। खाली मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा ना दो लोग के बारे में, तो उधर ही वो उसका शुगर आया हो कि उधर ही वो मर जाएगी वो। मैं तुमको बोल रहा हूँ मेरी एक बार बात कराओ सायरा आपा से, तुम नहीं करा रहे हो। अभी आपने ये रिकॉर्डिंग सुनी, तो अय्यूब मेरे को बोले गोरी उसका बार बार फोन आता है, और आप देखोगे कि अय्यूब जो रिकॉर्डिंग, अब मैं तुमको वीडियो जो डाल रही हूँ, तो आप देखोगे कि अय्यूब कहाँ पे है और अय्यूब कहाँ काम से गए थे। तो मैंने इनको क्या बोली कि एक काम करो अय्यूब, अभी उसका फोन आएगा तो आप फोन उठाओ और दूसरे फोन से उसका वीडियो बनाओ। तो अय्यूब ने फिर मेरे बोलने पे उसका वीडियो बना रहे थे, तो उनका फोन बार बार आ रहा था काम के लिए, तो इन्होंने बोले कि भाई तू बाद में फोन कर, तो पहले आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए। उसके बाद भी उसका कितना फोन आया, मैसेज आया, लेकिन मैं क्या काम धंधे में हूँ, मेरे को ये सब फालतू चीजों में गिनना नहीं। हेलो, बोलो। बस मस्त, दुआ है तुम्हारा, मुझे पहचानने को बोलू मैं। बोलो बोलो, पहचानता हूँ। मैं वही हूँ जिसके साथ उसकी रियाना की बेटी है ना जैनब। हाँ, उसके साथ शादी भी हो रही। अच्छा, समझे क्या? इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम अज़ीम लेमन ऑन सिम SIM2। बोलो। मेरा भी तो पैसा खा के बैठे ना, मादर चोद। हाँ, तुम्हारा कितना पैसा है? मेरा कम से कम 10-15 लाख रुपया खाके बैठे, मेरे को चूतिया बना के बुलाए दुबई से कि उधर से तू पहले वाइंड अप करके आ जा, ये करके आ जा, तुमको उधर जाने का जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, माधर चूत ने चूतिया बनाई रियाना ने, पहले मेरे को पूरे इधर बर्बाद किया लोग ने। यहाँ पे पूरा दुबई का मेरा अच्छा कारोबार था उस टाइम पे, पूरा बंद करके मैं आ गया। उधर जाने के बाद माधर चौत का नया नया नाटक चालू हो छीनाल का, उसके ज्यादा मेरे को बर्बाद किए लोग। फिर जाने के बाद में उसके बेटे ने आता बर्बाद। 5 मिनट में फोन करो ना, वो एक फोन आ रहा है, मैं पहले वहाँ बात कर लू। इसमें ऐसा देखा आपने, सुना, अभी भी मेरे को बहुत मैसेज है, लेकिन धीमे धीमे सब होगा। अब इसमें ऐसा है, ये लोगों का ऐसा है, चोर को के चोरी कर और साहूकार को के जागता रहे, चित भी इनकी पट भी इनका। अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें कहां पे मैं उसके जवाई से बात करी? अब मैंने तो देखो बता दी, तो इसको बोलो कि मैंने जो उससे बात करी हूँ या कुछ उसके साथ में डिस्कस करी हूँ, तो जैसे मैं रिकॉर्डिंग बता रही हूँ ना, कैसे ये, जब हम रिकॉर्डिंग बताते तो रिकॉर्डिंग करने वाले गांडू, और जब ये लोग रिकॉर्डिंग बताते तो ये लोग सच्चे साहूकार मरद पहलवान। हाँ, तो मैं चाहती हूँ
कि भाई तुम साहूकार बन के ही रिकॉर्डिंग सुना दो, भले हम गांडू बन के सुना रहे, लेकिन गांडू हम है नहीं, हम बजाने वाले बजवाने वाले लोग नहीं है। और मैं खास करके मैं हूँ वो चीज, मैं जितनी खामोश थी ना उतनी ही मैं तेज तलवार हूँ, और जब घुसूंगी ना तो पूरा लेके ही बाहर निकलूंगी। क्या होगा देखो, मौत एक ही बार आती है, अल्लाह मारे या इंसान मारे, लेकिन सच्चाई के लिए जब खड़े हो ना तो जी जान लगा दो अपनी। और मैं वही हूँ, कुछ नहीं फर्क पड़ता। सच्चा भी बेचारे को जब लोग इल्जाम लगा के अंदर जाते तो वो ज्यादा दिन अंदर नहीं रहता है, सच्चाई जब आती ना तो बेचारा इज्जत के साथ बाहर आता है। हमारे ऊपर भी बहुत बोतान लगे, बहुत इल्जाम लगे, लेकिन हम सच्चाई की राह पे खड़े और खड़े रहेंगे। तो आज फिलहाल तो ये टकली की मैंने क्लियर क्वेश्चन आपको दी, बहुत सारी बातें है वेट एंड वॉच, और कुछ बातें तो मेरे बेटे के चैनल पे भी आएगी। और बहुत से लोगों को 15 लाख का खुलासा चाहिए था, वेट एंड वॉच, बहुत जल्दी मैं सब खुलासा दूंगा। और जिसको बहुत इमरजेंसी है तो मेरे पास सूरत आवे और ले जाओ। चलिए अल्लाह हाफिज, थोड़ा टाइम मेरे आदमी के साथ बिताने दो, क्योंकि आपने देखा ना बोरी कितना जलती है मेरे आदमी के साथ, मुझे देख। मेरा भी वीडियो आ रहा है बोरी के ऊपर, दे प्लीज देखना कल परसों तक। कितना जलती है मेरे आदमी के पर्सनैलिटी पे, मेरे आदमी के स्टाइल पे, मेरे आदमी के मेरे को मोहब्बत करने पे, तो उसको जलना का थोड़ा सा और मौका दू के नहीं दू। चलो आपका फोन आ रहा है, अल्लाह हाफिज कर दो।